तो गाइज मैंने बहुत सारे ऐसे शॉर्ट चैनल आइडियाज़ दिए हैं यूट्यूब पर कि आप ये चैनल बनाओ, ये चैनल बनाओ, ये चैनल बनाओ, आपके वीडियो पर अच्छा व्यूज़ आएगा, आपका चैनल बहुत जल्द ग्रो होगा, ठीक है, आप इस तरह का वीडियो बनाए। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं शॉर्ट के ऊपर, ठीक है। बहुत लोग गाइज मुझे कमेंट कर रहे हैं कि भाई हम शॉर्ट तो वीडियोस बनाते हैं बट हमारे वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते हैं, ठीक है, मतलब व्यूज़ आ रहे हैं 1000-1500 व्यूज आ रहा है उसके बाद अटक जा रहा है। तो भाई आज की इस वीडियो में आप लोगों को 3 ऐसा गजब के ट्रिक बताने वाला हूँ, अगर आप इस ट्रिक को आप अपने वीडियो पर या अपने चैनल पर अप्लाई करते हैं तो भाई आपके वीडियो पर लाखों मिलियन करके व्यूज़ आने वाला है, ठीक है। अगर आप अपने वीडियो को वायरल करना चाहते हैं, आपके वीडियो पर लाखों मिलियन करोड़ों करके व्यूज़ लाना चाहते हैं तो भाई आज का ये वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना है, ठीक है। तो चलिए गाइस ज़्यादा बातें मत करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि हम इस चैनल पर बीच बीच पर यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस अपलोड करेंगे। तो ये वीडियो का गाइस आपको पूरा एंड तक देखना है, पूरा एकदम जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ शॉर्ट वीडियो वायरल करने का। पहला नंबर पर यह ट्रिक है गाइस कि आपको अपने चैनल पर नीच पकड़ कर काम करना होगा, ठीक है। मान लीजिए आप कोई ऐसा वीडियोज़ बनाते हैं, शॉर्ट ब्लॉगिंग का वीडियोज़ बनाते हैं या शॉर्ट लाइफ हैक्स का वीडियोज़ बनाते हैं या शॉर्ट ASMR वीडियोज़ बनाते हैं तो आपको एक ही टाइप का वीडियोस अपलोड करना होगा आपके चैनल पर, ठीक। तो क्या होगा कि आप उस टाइप का वीडियोस अपलोड करेंगे एंड उस टाइप का वीडियो जो लोग देखना पसंद करते हैं उसी लोगों के पास आपका वीडियो यूट्यूब ने सजेस्ट करेगा और आपके वीडियो पर व्यूज आएगा, ठीक है। ये आपका पहला नंबर ट्रिक है। एंड दूसरा ट्रिक ये है गाइस कि आपको देख लेना है कि आपका जो ऑडियंस है वो किस टाइम एक्टिव रहते हैं, ठीक है। अगर आपका ऑडियंस सुबह के 6 बजे एक्टिव रहते हैं तो आपको 6 बजे ही अपलोड करना होगा, मतलब पब्लिश करना होगा। अगर आपका ऑडियंस शाम के 6 बजे एक्टिव रहते हैं तो भाई आपको शाम के 6 बजे ही आपका वीडियो को पब्लिश करना होगा, ठीक है। जब आप वीडियो को पब्लिश करेंगे तब आपके ऑडियंस के पास आपका वीडियो जाएगा और वो वीडियो को वो देखेगा, ठीक है, और आपके वीडियो पर व्यू जाएगा। और ज़्यादा एक साथ में अगर क्लिक आ जाए आपकी वीडियो और पूरा फुल वॉच कर लेते हैं तो भाई वो वीडियो वायरल होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड थर्ड नंबर ट्रिक ये है गाइस कि आपको टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन ध्यान से लिखना होगा, ठीक है। ये बहुत लोग कहते हैं कि भाई टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन शॉर्ट वीडियो पर मैटर नहीं करता, तो भाई शॉर्ट वीडियो पर टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन मैटर करता है, तभी तो यूट्यूब को पता चलेगा कि ये कौन सा वीडियो है, किस लोगों के पास ये वीडियो को पहुँचाना चाहिए, ठीक है ना गाइस। बहुत लोग कमेंट में बोलते हैं भाई शॉर्ट वीडियो पर हम टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते हैं, तो भाई ये लिखना जरूरी है, ठीक है। अगर आप लेकिन नहीं लिखेंगे तो भाई यूट्यूब को कैसे पता चलेगा, यूट्यूब थोड़े ना कोई इंसान है कि आपके वीडियो को क्लिक करके बार बार देखेगा वो आप क्या वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, कौन से टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कौन लोगों के पास आपका वीडियो भेजे। यूट्यूब कैसे पकड़ता है आपके वीडियो को, टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन वो जो है उसका जो एल्गोरिथम है वो समझते हैं कि ये वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है और ये वीडियो इस तरह का लोग देखना पसंद करते हैं तो वो आपके वीडियो को उसी लोगों तक पहुंचाता है, ठीक है। आपको करना क्या है, जब आप अपने चैनल पर वीडियोस को अपलोड करेंगे तो भाई आपको वीडियो का जो टाइटल है वो आपको लिखना होगा, उसके बाद टाइटल पर ही आपको हैशटैग लगाकर #short #YT शॉर्ट #trending शॉर्ट #viral शॉर्ट ये आपको टाइटल पर ही लगाना होगा और वही जो टाइटल आपने लिखा है उसको कॉपी करके आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी इसे ऐड कर देना होगा। आपके वीडियो पर व्यूज लाने का टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी चीज़ है, ये आपको ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन आपके वीडियो पर नहीं लिखते हैं तो भाई आपको तो मैंने पहले बता दिया कि यूट्यूब समझ नहीं पाएगा ये किस टॉपिक पर वीडियो है, किस लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना चाहिए, ठीक है। ये है चौथा नंबर ट्रिक, ये है गाइस कि आपके चैनल पर पार्ट डे आपको एक वीडियोस अपलोड करना होगा। जब आप पार्ट डे वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आपका ऑडियंस एक्टिव रहेगा और आपके वीडियो पर व्यूज आएगा, यूट्यूब ने भी आपके वीडियो को जो है लोगों तक पहुंचाएगा, सजेस्ट करेगा, ठीक है। पांचवा नंबर ट्रिक ये है गाइस कि आप शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं तो शॉर्ट वीडियो का जो लेंथ है गाइस वो आपको 30 सेकंड से कम रखना होगा, 30 सेकंड, 20 सेकंड या 12 सेकंड, 10 सेकंड, वो शॉर्ट वीडियो का जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होती है और यूट्यूब समझते हैं कि ये वीडियो कुछ धांसू वीडियो है इसीलिए उनके वीडियो को लोगों तक पहुंचाता है। ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो गाइस आज का कुछ जेन्युइन ट्रिक शॉर्ट वीडियो वायरल करने का, ये ट्रिक अप्लाई करने के बाद आपके वीडियो पर अच्छा खासा व्यूज आएगा, ठीक है, आप एक बार ट्राई करके देख लेना। तो यहीं तक गाइस आज का वीडियो, आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।